का क्या है? आज सबसे पहले भगवान बुद्ध की धरती पर मैं आज काला शाह नीतीश कुमार के खिलाफ शंखनाद है। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि ये तानाशाह नीतीश कुमार के खिलाफ एक शंखनाद है, बड़ी लड़ाई छेड़ने का ऐलान है। 23 तारीख को बिहार के लाखों युवा पटना पहुंचे, उनके वादे को याद कराने कि आपने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, 5 महीने बीत गए, 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला है, कब दीजिएगा रोजगार? तो ये बताने के बजाय कि हम कब देंगे, कोई ब्लू प्रिंट नहीं, इन्होंने लाठी डंडे या पत्थरों से हमला करवाया और जान से मारने के लिए हमला करवाया। कई लड़के हमारे बुरी तरह से जख्मी हो गए, किसी का स्पाइनल खसक गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा, और जिस बेरहमी से मारा गया पत्थरों से और डंडों से, नीतीश जी आपको इंसान तो इंसान भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो मैं उसी क्रम में तेजस्वी जी के निर्देश पर पूरे बिहार के सभी ज़िला में जा रहा हूँ, क्योंकि तेजस्वी जी बंगाल और बिहार के चुनाव में, बंगाल और आसाम के चुनाव में व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का डिमांड है वहाँ से। तो चूँकि देश जब जब खतरे में होता है, देश की निगाह आदरणीय लालू प्रसाद यादव की तरफ होती है और राष्ट्रीय दल की तरफ, राष्ट्रीय दल क्या करता है, तो इस वक्त देश को बचाने की लड़ाई है। तो तेजस्वी जी का डिमांड पूरे देश भर में है, तो मुझको भेजा, मैं सब ज़िला में जा रहा हूँ, दर्जनों ज़िला घूमते हुए अभी मैं गया पहुँचा हूँ, कई जगह अरवल और औरंगाबाद होते हुए आज मैं सब साथियों से मिल के आया हूँ। तो तमाम साथी हमारे बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। नीतीश जी अगर सोच रहे हैं कि लाठी और पत्थरों से हम डर जाएंगे, तो नीतीश जी भूल गए हैं कि हम लालूवादी हैं, हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम कायर सावरकर के मानने वाले लोग नहीं हैं कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे। जिस तरह से सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग के दर्जनों चिट्ठी लिख के माफ़ी मांग के जेल से बाहर निकला, फिर 74 आंदोलन में आरएसएस के नेता नानाजी देशमुख गिरफ्तार किए गए, फिर उन्होंने इंदिरा गांधी से माफ़ी मांग कर किया और फिर वो जेल से बाहर निकले, तो हम लालूवादी लोग हैं, हम लोग डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं, हम 19 लाख रोजगार लेके रहेंगे, आपकी महंगाई के खिलाफ हम आंदोलन करते रहेंगे, हम शिक्षकों के लिए लड़ते रहेंगे, हम आशा दीदी रसोइया के लिए लड़ते रहेंगे, हम ट्रांसपोर्टरों के लिए लड़ते रहेंगे, हम पंचायत के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए हम लड़ते रहेंगे, हम जो है तमाम उन संविदा कर्मियों के लिए लड़ते रहेंगे। तो संस्कृति के कब है, सांख्यिकी के लिए, सहायक के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो इन तमाम इश्यूज़ पर, चाहे उर्दू का मामला हो, चाहे संस्कृत का मामला हो, इन तमाम इश्यूज़ पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे युवाओं में ज़बरदस्त जोश है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के तानाशाही के बावजूद, बुरी तरह से मार खाने के बावजूद, हाथ पैर टूटने के बावजूद, दूसरे ही दिन तेजस्वी जी की सेना योद्धा, तेजस्वी जी के योद्धाओं ने जो परिचय दिया कि इतने मार खाने के बावजूद दूसरे दिन जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर के सड़क पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़े थे, ये परिचय दिया कि मैं तेजस्वी जी का एक मजबूत योद्धा हूँ। तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई यूँ ही चलती रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता।